फ्लोरेंट पिछले 24 घंटे की आई हुई खबरों को अगर आप गौर करें तो कई ऐसे खबरें हैं जो सेवन्थ फेज के जो कैंडिडेट हैं एसटीईटी वाले उनको खुश कर देने वाली खबरें आई हैं पिछले 24 घंटे में, एक नहीं कई खबरें आई हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन तमाम खबरों को कवर करूंगा जो कि छूटी हुई थी और जो कि इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो आपकी स्क्रीन पर वन बाय वन खबरें आ रही हैं। देखिए, सातवें चरण की बहाली में 3 गुना बढ़ जाएंगे पद, कुल कितनी वैकेंसी आती है आपका सिलेक्शन इस पर भी डिपेंड करता है, कुल कितनी वैकेंसी आती है और किस वैकेंसी को भरने का आधार क्या होता है, ये 2 डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपकी जॉब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। खैर, ये वाली खबर है, अगर वैकेंसी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली कंपटीशन घट जाएगा या कंपटीशन ना के बराबर हो जाएगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट की जॉब इंश्योर हो पाएगी। उसके अलावा ये वाली खबर देखिए, 31 दिसंबर तक रिटायर करने वाले शिक्षकों की मांगी गई सूची, 31 दिसंबर 2022 तक की बात हो रही है। डिमांड कहाँ थी मार्च 2022 या जून 2022, सरकार उससे भी कदम आगे निकल गई और 31 दिसंबर तक का मामला फिट कर दिया है। और ये सेकेंडरी वालों का है और यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ें तो यहाँ पर 4-5 लाइन ही मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। शिक्षा विभाग ने सातवें चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी कर ली है। विभाग ने जिला शिक्षा प्राधिकारियों और जिला कार्यक्रम प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस साल 31 दिसंबर तक अवकाश प्राप्त करने वाले माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की गणना करके सूची बना ली जाए। विभाग ने इस सूची विभाग को यह सूची 15 दिन के अंदर तैयार करना है। ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिए, 15 दिन के अंदर ये डिटेल तैयार कर ली जाएगी। पिछले दिनों विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में सभी डीईओ और डीपीओ को रिक्त पदों की गणना के लिए कहा गया था, रिक्त पद सातवें चरण में शामिल की जाएगी। ये सेकेंडरी वाली की बात हो रही, 9, 10, 11, 12 वालों की बात हो रही है। तो ये भी एक अच्छी खबर है, इसका एक नोटिस भी जारी हुआ था, वो भी मैं किसी आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसमें भी यही तमाम बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ के बता दिया कि 15 दिन के अंदर जमा करना है और दिसंबर 2022 तक की वैकेंसी को जो रिक्त पद होगा उसको कैलकुलेट करके डालना है। इसके अलावा भी कुछ और खबरें हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर देखिए ये वाली खबर कि भविष्य में टीईटी पर रोक नहीं। ये मैंने पहले ही कहा था कि अखबार वालों ने गलती से छाप दिया है, सातवें फेज से पहले टीईटी नहीं होगा ये कहा गया था उस नोटिस में, ये नहीं कहा गया था कि टीईटी अब कभी होगा ही नहीं। तो यही सब तमाम खबरें हैं जो पिछले 24 घंटे की खबरें हैं। आगे ये मैं नज़र बना के रखूंगा, कोई भी खबर आती है सातवें फेज की शिक्षक बहाली से संबंधित तो मैं आपको जल्द ही अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।